झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजक संघ ने अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शनिवार को धरने का चौथा दिन रहा, जिसमें महिलाओं ने मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर लगातार चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना पर डटी हैं। इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं आक्रोशित भी हैं। उनको रखने के लिए 2016 से ही हम लोग मांग रहे हैं, अनशन धरना किए हैं। तब हम लोग को ठग कुछ ला के हम लोग को अनशन तोड़वा देते हैं, और हम लोग को अनशन तोड़वाने के बाद हम लोग भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोग को हर समय ठगते रहते हैं। तो हम लोग का फैसला है कि जब तक अभी चार मांग पर हम लोग यहाँ पर आज जिला स्तर का जो चार मांग है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ धरना अनशन दे रहे हैं। हम काम कोई भी 2006 से लेके काम करते करते आई हूँ। अखन हमरे पर एक पैसा से दर्शन नहीं हुई है, और हमरे के निकला कर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी हमें कह ली कि हमरे नहीं निकलब, हमार पैसा जब तक नहीं आई तब तक हमरे नहीं छोड़ब कह के हमरे मन करते रहिए। 2013 से हमरे करे पैसा नहीं है। बता दें कि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में रसोईया संयोजिका महिलाएं चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई हैं। महिलाओं ने सरकार से मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली। जिला प्रशासन और डीसी डीएससी ये सारा साहब के ऊपर हम लोग का जो भी परिस्थिति होगा उस सकते हैं, भूख प्यास दुख ठंडा, तब तक हम लोग बैठेंगे, इंतजार करेंगे, हम लोग के पास आएंगे, हम लोग को हमारी मांग को जो भी है उसको पूरा करेंगे। और यदि नहीं, हम आत्मदाह करने का हम लोग फैसला कर लिए हैं। कमर कस के हम लोग घर दरवाजा छोड़ के, परिवार छोड़ के हम लोग इस दर। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी गरीब लोगों का आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपके प्रयास जारी है। मैं पहले राज्य का राजनीतिक गतिविधि पर मैं कहना चाहूँगा कि राज्य जब बदला, सत्ता पर बदली, तो सत्ता में आने के बाद हेमंत जी बोले थे कि हम अपराध और तमाम लोगों को, जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, जो निम्नतम से निम्नतम अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हक हम देंगे हमारी जब सरकार बनेगी तो। लेकिन अब एक साल बीत जाने के बाद हमें लगता है भले कोरोना था, कोरोना का कारण भी परेशानी रहा, लेकिन ये बातें रघुवर दास के रास्ते पर ही चलने का पूरी चीज़ों के दिखाई पड़ रहा है, इसमें भरोसा टूटते जैसा नजर आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से महिलाएं हक और अधिकार को लेकर धरने पर बैठी हैं, ये शासन और प्रशासन पर बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर कब तक इन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए गुमला से अंशु निधि की रिपोर्ट।